तो गाइस यार आज की वीडियो में हम लोग ढूंढने वाले सारे के सारे एलिमेंटल आयरन मैन सूट और उन सबको मिला के हम बनाने वाले हैं द गॉड अल्ट्रा वाला आयरन मैन सूट। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो फिर ऐसी देरी के शुरू करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। तो गाइस यार जो पहला एलिमेंटल आयरन मैन है वो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। मैं आया हूँ अभी जंगल के अंदर और यहाँ पे वो अपना पहला एलिमेंटल आयरन मैन मिलने वाला है। तो अभी वो सामने जा रहा था, मुझे उसको फटाफट से पकड़ना पड़ेगा, तो उसके पास चलते फटाफट से। अबे ये बंदर कहाँ से आ गए? तुमको हमारे बॉस से टकराने से पहले हमसे टकराना पड़ेगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अबे बंदरों साइड हो जाओ, बहुत बुरी मार खाओगे मेरे से। हम नहीं डरते तुमसे। अच्छा नहीं डरते, अभी बताता तुमको। पहले तो मैं इनको फटाफट से तलवार से मारता हूँ और ये दोनों को दोनों खत्म। आए बड़े बंदर, मुझे रोकोगे एलिमेंटल आयरन मैन को पकड़ने से? अभी फटाफट से उसके पास चलते। आखिरकार मुझे मिल गया है जो अपना पहला एलिमेंटल आयरन मैन, जो कि ये ग्रीन आयरन मैन। अब तू बिल्कुल नहीं बचने वाला, हिलने की कोशिश तो करना भी, वरना ये तलवार तेरे सीधा पेट में डाल दूंगा। अरे तुम कौन हो, तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे के सारे एलिमेंटल आयरन मैन को पकड़ के एक गॉड आयरन मैन बनाने वाला हूँ। अरे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हमारा जो ये जंगल है वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए जो कि हमारा जंगल काट रहे हैं। अगर तुम हमारे जंगल को कटने से बचाओगे तो मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी चल लूंगा और गॉड आयरन मैन सूट कैसे बनाना है वो भी तुम्हें बताऊंगा। अच्छा अभी रुकना, अभी क्या गन से सबको भेजा खाली करके आता हूँ। अरे नहीं, ये जंगल है, यहाँ पे गन नहीं चला सकते, तुमको बिना गन का यूज कर उनको भगाना पड़ेगा। अच्छा अरे यार रुक जा रुक जा, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा पर मुझे क्या मिलेगा? मैं तुझे, अबे भाई मैं तुझे केले दूंगा, बहुत सारे केले मिलेंगे तू अगर मेरा काम करेगा तो। अरे ठीक है, अभी तुम्हारा काम करके आता हूँ। मेरे जंगल को तबाह करोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये ले तो भी ये ले, आज इन सबको तबाह कर दूंगा। मुझे मिलेगा केला, मुझे चाहिए केला। ये ले निकल यहाँ से, इसको भी तोड़ दूंगा। ये ले। अरे थैंक यू, तुमने हमारी मदद करी जंगल बचाने के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे पहले मुझे मेरा केला दो। अरे हाँ तेरा केला मैं देता हूँ, ये ले तेरे केले। तो गाइस यार इसको मैंने दे दिए बहुत सारे केले, अब फटाफट से आयरन मैन को लेके चलते अपने मैजिक पोर्टल में और इसको अपने घर पहुंचा देते सीधा। ओके बाय बाय। तो अभी ये तो जा चुका और अपन चलते अपने अगले आयरन मैन की तरफ। चलो चलते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे हर जगह सिर्फ तबाही तबाही हो रखी है, मुझे लगता है यहाँ पे पक्का कोई इविल आयरन मैन होगा। अरे एक सेकंड, अभी ये तो फायर आयरन मैन है। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, ये लो। अबे ये क्या हो रहा है, अबे ये क्या हो रहा है, बचाओ मेरे का। अरे कहाँ गया मैं, अबे ये क्या हुआ, अबे ये मैं कहाँ आ गया, अबे उसने मेरे साथ ये क्या किया। अबे भाई वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अरे अब क्या करूं, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा यार। अरे आइडिया। तो गाइस यार जो वो फायर एंड आयरन मैन है यार वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए पहले मुझे यार चाहिए होगा जो अपना आइस आयरन मैन है। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अरे भाई यहाँ पे तुमने किसी आयरन मैन को देखा क्या जो मेरे बर्फ से बना हो? अरे कहाँ देखा? अरे वो जो सामने बर्फ पड़ी है ना, वो अभी उसके अंदर चला गया था। क्या सामने बर्फ पड़ी है इसके अंदर? अबे यहाँ पे ये क्या चल रहा है, यहाँ पे इतने सारे स्नोमैन और इतनी सारी बर्फ क्यों है? मुझे लगता है पक्का वो इसी के अंदर होगा, मुझे उसको पहले कैसे भी करके निकालना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया है, ये इधर से मारते हैं। एक सेकंड, वो कुछ ना कुछ निकला। अबे साले मेरे को गोली के मारा, रुक जा रुक जा। अबे सुन मेरे को तेरी मदद चाहिए, जो फायर आयरन मैन है ना उसने बोला है कि पूरी की पूरी दुनिया में कब्जा करने वाला है और वो आइस आयरन मैन की पूरी फैमिली को खत्म कर देगा, मतलब तुझे और तेरी फैमिली को खत्म कर देगा। अबे तेरे को मेरे साथ देना पड़ेगा, अपन दोनों मिलके उसको खत्म करेंगे। अरे हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर दूंगा। अरे ये कौन से बच्चे को लेके आयो मेरे से लड़ने के लिए, इसको तो मैं यूं खत्म कर दूंगा। अरे आजा फिर, देखते देख कौन किसको खत्म करता है। अरे हाँ आजा, डरता हूँ क्या मैं तेरे से? मार मार मुक्का दे मुक्का। अरे मुंह पे मुक्का मारना। तो गाइस सर अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, आप किसकी साइड हो, फायर आयरन मैन की कि आइस आयरन मैन की? फटाफट से कमेंट बता दो। मैं हूँ अभी आइस आयरन मैन की साइड पे। अरे भाई तो बहुत ही बुरा वाला मार रहा है, और मार और तेज मार, खिंचा के चाटा मार, खिंचा के एक और। अरे भाई क्या ही मार रहा है हमारा आइस आयरन मैन। अरे मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, हट यहाँ से, हमें निकलना है यहाँ से। अभी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला लड़ रहे। और ये क्या फेंक रहा है इसके ऊपर? ये है मेरा स्पेशल अटैक, स्नोबॉल अटैक। ये ले पूरा का पूरा जमा दूंगा तुझे। मैं जीत गया। अरे गाइस इसने उसके ऊपर स्नोबॉल फेंक फेंक के उसको पूरा जमा दिया और फायर आयरन मैन आखिरकार हार चुका है। तो आखिरकार मुझे फायर आयरन मैन का सूट मिल चुका है, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अरे मेरे को तेरे से काम है, ये निकल यहाँ से। तो भाई साहब आखिरकार मैंने इसको भी मार दिया, भाई मेरा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। आइस आयरन मैन ने फायर आयरन को मारा और मैंने आइस आयरन मैन को मार दिया। तो फटाफट से दोनों सूट को यहाँ से लेके चलते हैं।
तो गाइस सर अभी हमारे पास यार तीन सूट तो ऑलरेडी हो चुके, तीन एलिमेंटल सूट हमें मिल चुके आयरन मैन के, पर अभी मैं आ गया हूँ आयरन मैन मतलब असली टोनी स्टार्क के शोरूम में। हेलो हेलो टोनी सर, कैसे हो? अरे यार क्या हो गया, बताओ क्या चाहिए तुम्हें आज? अरे मुझे यार एक बढ़िया सी गाड़ी चाहिए थी यार, मतलब एक मस्त सी इलेक्ट्रिक गाड़ी। इलेक्ट्रिक? अरे क्यों, तुम्हें यार नॉर्मल गाड़ी नहीं चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं मुझे इलेक्ट्रिक ही गाड़ी चाहिए, क्योंकि यार मतलब वो ज्यादा अच्छी होती ना। गाइस यार इसको पता नहीं है मैं यहाँ पे यार इलेक्ट्रिक आयरन मैन को यार यहाँ से लेके जाने वाला हूँ, पर अभी इसको मैं बताने वाला, तो चुपचाप से देखते हैं अपन। अरे क्या खुसर पुसर कर रहे हो, ये हमारी नई नई इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, इसको तुम चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। अरे हाँ टेस्ट कर लेते हैं। अरे वाह वाह बढ़िया, गाड़ी तो बढ़िया है, इसको मैं चला के देख लेता हूँ। अरे ये तो आगे ही नहीं बढ़ रही। अरे भाई ये कैसी गाड़ी है यार, अरे लगता है मुझे चार्ज नहीं होगी। अभी तो चार्ज मैं करूंगा क्या? गाइस ये वैसे चार्ज ही है, मैं बस झूठ बोल रहा हूँ थोड़ा सा। अरे भाई चार्ज करा दे जल्दी, चार्ज कराते। अरे हाँ मैं बुलाता हूँ। अरे छोटू जल्दी चार्ज कर गाड़ी को। ओके बॉस करता हूँ। अरे तू काम क्यों नहीं करता ढंग से, वो गाड़ी पर ऐसे चार्ज क्यों नहीं रखी थी? अरे बस सॉरी सॉरी, अरे बस सॉरी अभी कर दूंगा चार्ज। अरे जल्दी कर। अरे भाई उसको बात कर, वो चार्ज कर देगा ना, कर देगा जल्दी फटाफट चार्ज कर दे। ओके ओके करता हूँ करता हूँ। अरे वाह ये तो सही में चार्ज हो गई, ये गाड़ी थोड़ी चलने लग गई। अरे हाँ सर अब आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ, कहीं आप गाड़ी कहीं लेके नहीं चल जाए। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो टोनी सर, आप एक काम करो छोटू को भेज दो ना। अच्छा चलो ठीक है छोटू तुम चले जाओ। ओके बस चला जाता हूँ, अब इसको फटाफट से बिठा दो, मैं थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लेके आ जाऊंगा, कैसी देखनी पड़ती है ना गाड़ी वाड़ी कैसी है। तो अभी ये फटाफट से बैठ चुका है हमारे साथ इलेक्ट्रिक आयरन मैन। अरे मैं आता हूँ टेस्ट करके। अरे हाँ ऐसी गाड़ी तो अच्छी लग रही है मुझे। अरे हाँ सर बहुत बढ़िया गाड़ी है। हाँ मैं थोड़ा दूर तो टेस्ट करके आता हूँ छोटू, है टेंशन मत लेना। आखिरकार भाई मैंने इसको चुपचाप बिठा लिया, अभी इसको फटाफट से यहाँ से लेके निकलते हैं और शोरूम से हो गए हम पर। और भाई छोटू क्या हाल है? अरे कहाँ लेके चल रहे हो, अलर्ट नहीं है। अबे मैं तेरे को किडनैप कर रहा हूं, तू समझा नहीं क्या? अभी मुझे फ्री की गाड़ी भी मिल गई और इलेक्ट्रिक आयरन मैन भी मिल गया, ये तो यार बहुत ही ज्यादा इजी था, तो इसको फटाफट से लेके चलते हैं अपने घर पे। तो गाइस सर अभी सारे के सारे चारों के चारों एलिमेंटल आयरन मैन आ चुके हैं यहाँ पे, और मैंने इन सब के सूट को बंद कर दिया ताकि कुछ हरकत ना कर पाए। अभी इनके में एक में भी बैटरी नहीं है, तो अभी मैं डालने वाला हूँ इस वॉशिंग मशीन के अंदर। ये एक मैजिकल वॉशिंग मशीन है जो इन चारों को मिला के आपस में जोड़ मरोड़ तोड़ के एक तगड़ा सा गॉड वाला आयरन मैन बनाने वाली, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो इनको फटाफट से मैं ऑर्डर देता हूँ, अभी सिर्फ मेरा ही ऑर्डर मानने वाले। अभी ये लाइन में खड़े हो चुके, एक एक करके अंदर जाते जाओ, फिर देखते यार क्या बनता है, खतरनाक बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो इनको फटाफट से अंदर भेजते हैं और ये वॉशिंग मशीन चालू करते हैं। तो अभी आखिरी एलिमेंटल सूट बचा है, ये भी जा चुका है अंदर, अब देखते क्या होता है। भाई साहब कितनी तेज चल रही है वॉशिंग मशीन। ओ भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला सूट आ गया इसमें से बाहर, सारे के सारे एलिमेंटल आयरन मैन मिलने के बाद बनता है कुछ ऐसा। अबे भाई इसके हाथों में देखो और इसके पीछे मतलब ये पर्दा सा आ गया है और ये लाल कलर के, मतलब सबका सब मिक्स हो चुका है। चलो अब यार देखते हैं इसके अंदर बैठ के फटाफट से। अरे भाई मैं तो उड़ने लग गया हूँ, भाई साहब ये सूट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अभी इसको लेके चलते थोड़ा लॉस सेंटर्स में घूमते, थोड़ी यार लड़ाइयां करते, मजा आएगा। तो गाइस सर अभी देख सकते हो भाई ये सूट यार कितना ज्यादा तेज चल रहा है, भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। एक सेकंड इस सूट में ये मुझे बता रहा है कोई आयरन मैन मेरे से लड़ने आ रहा है, और ये मैं तो बहुत ज्यादा पास आ रहा है। आजा आजा आयरन मैन यानी असली जो टोनी स्टार्क है, जो जिसने ये सारे के सारे सूट बनाए, वो मेरे से लड़ने आ चुका है। और भाई साहब ये ले पहले उसको मिसाइलें पड़ी और उसकी पावर मेरे पर पड़ी, अभी इसको मैं बताता हूँ ये गॉड सूट कितना ज्यादा ताकतवर है। निकल यहाँ से, ये ले मिसाइलें का। ये सारे सारे जो भी सूट थे वो आयरन मैन ने बनाए थे, और इन्हीं सूटों से इसको मैं मारने वाला, बहुत ही मजा आने वाला है। तो भाई साहब मैंने आयरन मैन को भी खत्म कर दिया, भाई क्या ही मजा आया। तो गाइस यार मैंने सारे सारे एलिमेंटल सूट ढूंढ के उन सबको मिला के अपना तगड़ा सा एलिमेंटल सूट नहीं गॉड सूट बना दिया है। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो, फटाफट कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके चैनल फॉलो भी कर लेना। और गाइस यार मैं तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।